जिला मुजफ्फरपुर की औरैया विधानसभा क्षेत्र संख्या 79 से अशोक कुमार झा ने बताया कि जो चुनाव होते हैं वो जाति पर निर्भर होता आ रहा है, लेकिन अब की बार ये श्रृंखला टूट चुकी है और इनका कहना ये भी है कि हम पावर में आने के बाद अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे विजयी बनाएगी। नमस्कार, कानून जंक्शन में राहुल झा इस वक्त पहुंचा हूं नवासी और आई विधानसभा में, जहां से गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अपना परिचय रखेंगे। अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनशक्ति पार्टी। घर हमारा पोस्टपोन हुआ विधानसभा में, कटरा प्रखंड में। राजनीति कब से कर रहे हैं सर आप? राजनीति तो 1984 से कर रहे हैं। विधानसभा से पहले कभी चुनाव लड़े? लड़े हैं 2005 में, 2015 में, 2005 से 2015 और 2020। क्या लग रहा है इस वक्त अगर आप फील्ड में जाते हैं तो, नेताओं के बीच जाते हैं तो क्या लग रहा है? देखिए, इस बीच में जो बिहार में या भारत में राजनीति हुआ, जात पात का राजनीति हुआ, जात का वोट ले लिया, लोग अपने जात का ही काम नहीं किया, तो अब उस जात पात के सीमा को हम लोग हटाए हैं। हम लोग समझ गए हैं कि कोई काम नहीं करता है, सब केवल जात पात, हिंदू मुस्लिम सभी मिलता है वोट। इस बार जात का श्रृंखला टूट गया और जाति पर नहीं, विकास पर। मतलब जात पात से ऊपर उठ के लोग विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं इस बार? सबको तो देख ही लिया ना, जाति के नाम पर सब वोट लेता रहा है। हमारे प्रधानमंत्री वोट जाए जाते पिछड़ा के बेटा है, बहुत आश्चर्य लगता है कोई देश का प्रधानमंत्री बोले भाई कि पिछड़ा के बेटा है और वोट ले। ना तो औराई प्रखंड कार्यालय आने के लिए रास्ता है, ना कटरा प्रखंड कार्यालय जाने के लिए रास्ता है, और उनकी सरकार है क्या दिए वो सरकार मिलना। तो यहाँ तो हमारे खास के पौसौल घर है, और पौसौल में 3 ऐसे व्यक्ति आए जो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक पुल नहीं बना सके, एक रास्ता नहीं दे सके, यही लड़ाई है लड़ाई। क्या संकल्प लेकर आप मैदान में उतरे? संकल्प तो जनता का सेवा है, बोले हैं कि ड्यूटी करेंगे, चाहे तनखा लेता है, ड्यूटी नहीं करता है, गायब हो जाता है। 1,37,000 महीना विधायक को मिलता है तनखा, और समझिए बहुत स्टैंडर्ड है ये, पेंशन भी मिलता है, ड्यूटी नहीं करता। हम जनता से कहे हैं कि 2 महीना में 10 दिन हम ड्यूटी करेंगे, लेटर बॉक्स सभी पंचायत में लगाएंगे, 2 महीना में 10 दिन ड्यूटी करेंगे, और बाकी दिन तो विधानसभा वगैरह भी देखना है ना। क्षेत्र में रहेंगे 10 दिन, और 10 दिन यदि हम क्षेत्र में रहेंगे, पंचायत वाइज 2-2 घंटा का मीटिंग करेंगे तो 42 पंचायत कर लेंगे, 10 दिन 12 दिन लगेंगे। और ये होता ही नहीं है, ये पहला इतिहास होगा बिहार का कि हम ड्यूटी करना शुरू करते हैं कि दूसरे लोग भी ड्यूटी करने पर मजबूर हो। ड्यूटी करेगा क्षेत्र में क्या? युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश है कि हमको चुने, हम एक नया बिहार बनाएंगे, पहले तो पढ़ाई से विकास करा के दिखाएंगे। जब विधायक ड्यूटी करने लगेगा, जो आज इतिहास का ही पहला चीज है कि कभी ड्यूटी नहीं करता विधायक, तो विधायक यदि ड्यूटी करने लगेगा, तनख्वाह लेता है तो ड्यूटी करे, वो जनता का पैसा है, अपने आप विकास होगा। विधायक के नज़र में आएगा कि कहाँ काम है नहीं है। विधायक टिकट रुपया से खरीद के लाता है करोड़ों में, फिर पैसा तसीलने लग जाता है ब्लॉक से लेके जिला तक, मतलब सिंडिकेट बना हुआ है। हमको उस सिंडिकेट को तोड़ना है, वो जो घूस लेकर के पैसा कमाता है और टिकट खरीदता है, कि परिपाटी को बंद करना है। विधायक ड्यूटी करे, जब सभी कर्मचारी सभी पदाधिकारी ड्यूटी करते हैं तनख्वाह लेके, विधायक एमपी का नहीं ड्यूटी करेगा, हम एक नया धारा बना देंगे और सिर्फ को कहेंगे कि जिताए। युवक दूर से भी आग्रह है, महिलाओं से भी आग्रह है, हम यहाँ ड्यूटी करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, और एक विकास होगा और एक घर का विकास होगा। आप और आई के विकास के लिए मैदान में उतरे हैं, हर एक घर का विकास करना चाहते हैं? हाँ, और आई के विकास के लिए उतरे हैं। हम तो यही कहेंगे कि जिस जाति के विधायक होते रहे अभी तक, उस जाति में अभी 80 साल, 85 साल, 75 साल के बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। हर इतिहास का ही पहला चीज है कि कभी ड्यूटी नहीं करता विधायक, तो विधायक यदि ड्यूटी करने लगेगा, तनख्वाह लेता है तो ड्यूटी करे, वो जनता का पैसा है, अपने आप विकास होगा। विधायक के नज़र में आएगा कि कहाँ काम है नहीं है। विधायक टिकट रुपया से खरीद के लाता है करोड़ों में, फिर पैसा तसीलने लग जाता है ब्लॉक से लेके जिला तक, मतलब सिंडिकेट बना हुआ है। हमको उस सिंडिकेट को तोड़ना है, वो जो घूस लेकर के पैसा कमाता है और टिकट खरीदता है, तो परिपाटी को बंद करना है। विधायक ड्यूटी करे, जब सभी कर्मचारी सभी पदाधिकारी ड्यूटी करते हैं तनख्वाह लेके, विधायक एमपी का नहीं ड्यूटी करेगा, हम एक नया धारा बना देंगे, और इस सीट को कहेंगे कि
आए नवयुवक, युवक से भी आग्रह है, महिलाओं से भी आग्रह है, हम यहाँ ड्यूटी करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं और एक विकास होगा, हर एक घर का विकास होगा। आप औराई के विकास के लिए मैदान में उतरे हैं, हर एक घर का विकास करना चाहते हैं? हाँ, औराई के विकास के लिए उतरे हैं। हम तो यही कहेंगे कि जिस जाति के विधायक होते रहे अभी तक, उस जाति में अभी 80 साल 85 साल 75 साल के बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। हर वीडियो में गए हैं, हम लाइव किए हैं, वीडियो चलाए हैं, जनता देखी है, सरकार भी देखी होगी, मतलब बहुत आश्चर्य है। बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र ये रह गया है, ना तो ब्लॉक जाने का रास्ता है, घूस भ्रष्टाचार तो पूरे बिहार में है, कामगार हैं, बलात्कार, बैंक लूट, हत्या, ये रोजमर्रा बन गया है। तो हम इन सब पर लड़ाई लड़ेंगे और शांति में लाएंगे और विकास करेंगे। के लिए मैंने खाने का भी टाइम नहीं है, पर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, चुनाव अंतिम चरण में है, इंडिया बैलेट कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाता मालिकों से क्या आह्वान करना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? मतदाता मालिक और हम कर्जा में वोट मांगे हैं, लोग जो है दान में वोट मांगता है तो काम नहीं करता, दान लिया मोटर लेके चला जाता है, हम कहें कर्जा में वोट दीजिए, काम करके सधाएंगे और विकास करेंगे। ये पहला व्यक्ति हम हैं बिहार में जो इस रूप में अपना प्रचार अभियान किया है कि कर्जा में वोट दीजिए, विधायक तनख्वाह लेता है, ड्यूटी कराइए, ड्यूटी करेगा तो आपका काम होगा, काम होगा तो हम काम करके तो कर्जा हम सधा रहे हैं, कर्जा सधाएंगे। धन्यवाद, इस वक्त हमारी बात हो रही थी गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार झा से। देखते रहे कानून जन सत्यम के साथ।